हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल जॉलॉजिस्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपको कैसे रजिस्टर करना है एम्स में बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, एम्स लिख देना है। जैसे आप एम्स लिखोगे तो आप देख सकते हो ऐसे आपको लिंक मिल जाएगी एम्स की लिखी हुई, emsexam.ac.in। आप इस पर क्लिक करोगे, आपने इस पर क्लिक कर दिया, इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करना है क्योंकि आप एकेडमिक्स में जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो वहाँ पे। तो आप जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसी विंडो मिल जाएगी दोबारा से। अब देखो यहाँ पे कई सारे कोर्सेज दिखा रखे हैं, सारे कोर्सेज में आपको अप्लाई तो करना नहीं है, आपको यूजी कोर्सेज में अप्लाई करना है। कौन कौन से यूजी कोर्सेज में? एक तो है आपका नर्सिंग, दूसरा है पैरामेडिकल कोर्सेज। तो नर्सिंग में जैसा कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, नर्सिंग गर्ल्स के लिए है, बीएससी नर्सिंग ओनली एंड बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, ये जिन लोगों ने जीएनएम किया हुआ है पहले से उनके लिए है। तो लड़कियां बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर दें, कुछ फीस ज्यादा नहीं है एंड एम्स में पढ़ने की भी फीस ज्यादा नहीं है, तो भर देना, कोई लॉस नहीं है इतना। बाकी वो तो आपकी मर्जी है करना है या नहीं करना है, ठीक है। रही बात बॉयज की, तो बॉयज को पता है कि उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे, या तो आप एमबीबीएस करो, डेंटिस्ट्री करो, या फिर एमबीबीएस के लिए तो आपको पता ही है कि नीट के थ्रू होगा। अगर एम्स के थ्रू जाना है आपको, एम्स के एग्जाम के थ्रू, तो आपको पैरामेडिकल का ही भरना होगा। एंड कौन कौन सा भर सकते हो आप? रेडियोग्राफी भर सकते हो, ऑप्टोमेट्री भर सकते हो। तो यहाँ पे आप कोई सा ही भर सकते हो। रेडियोग्राफी एंड ऑप्टोमेट्री में क्या फर्क है ये सारी चीजें मैं आपको बाद में किसी अदर वीडियो में बता दूंगा, जिसमें मैं आपको सिलेबस वगैरह भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो जैसे आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो क्लिक कर दिया आपने, तो ऐसा आपको एक पॉपअप दिख जाएगा। ये पॉपअप किस लिए आता है? जब जो भी कोई साइट है ना उसमें रिस्क हो तो तब ये पॉपअप आता है। आपको क्या करना है, आपको एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऐसा आ जाएगा नीचे कि रिस्क को एक्सेप्ट करो और कंटिन्यू करो, तो आप इस पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो ऐसी नई विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका अभी नहीं होगा, ये हो रहा है बेसिक रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका बाद में होगा। आई गेस 23 तारीख से होगा आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन, वो मैं आपको बाद में नोटिफिकेशन में देख के बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। फाइनल रजिस्ट्रेशन का अभी हमें काम नहीं है, अभी हमें किस पे क्लिक करना होगा? बेसिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, चलो कर दिया। जैसे आप बेसिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे ये नई विंडो पॉपअप नया आ जाएगा, तो आप इस पे क्या करोगे? प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। प्रोसीड पे क्लिक करोगे जैसे ही तो आपको नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, न्यू बेसिक पे क्लिक कर देना है। न्यू बेसिक पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसी विंडो दिख जाएगी। अब देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, ईमेल आईडी, पर्सनल डिटेल्स, ये तो देखो बेसिक चीजें हैं, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा देखो फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास, एंड थंब इंप्रेशन भी होना चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, एंड सिग्नेचर भी होना चाहिए, क्लियर है आपको। एंड यहाँ पे सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन ना बॉक्स में होना चाहिए, ऐसा एक बॉक्स आपको बनाना है, उसमें आपको सिग्नेचर करना है एंड थंब इंप्रेशन भी वैसी बॉक्स में करना है। दोनों की बॉक्स की डायमेंशन अलग अलग दे रखी है, जैसे कि जो सिग्नेचर है उसके लिए 6x3 सेंटीमीटर है, ठीक है, वहीं थंब इंप्रेशन के लिए 4x3 सेंटीमीटर, तो वो आप देख लेना। देन प्रोसीड पे क्लिक करोगे आप, जैसे प्रोसीड पे क्लिक करते हो तो ऐसी नई विंडो दोबारा ओपन हो जाती है। देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि पहले क्या है, पहले तो बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा आपका, जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा कि हाँ आपने सही भरा है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एम्स वाले, देन उसके बाद आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, ठीक है। फाइनल रजिस्ट्रेशन की डेट मैं आपको आगे बता दूंगा कब होगा, एंड जब होगा ना फाइनल रजिस्ट्रेशन तब भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो वो बात की बात है, फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपको चूज करना है कि आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, या पोस्ट बेसिक के लिए, क्लियर है। देन इसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ऐसे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, अब आपको फिल करने हैं। ये तो देखो बेसिक सी चीजें हैं, बच्चे बच्चे को पता है कैसे फिल करते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। नेशनलिटी आपको क्या चूज करनी है, इंडियन, अगर आप इंडियन हो तो। फुल नेम आपको आपका लिखना है, यानी कि इसमें आपका नाम एंड आपका आपकी कास्ट, जैसे मान लो आपका नाम है अनमोल सिंह, ठीक है, तो अनमोल स्पेस सिंह लिखना है, बस खत्म। मिस्टर और मिसेज नहीं लिखना है, क्लियर है, मिस्टर एंड और मिसेज नहीं लिखना है, ये आप लिख दोगे। इसके बाद आपको अपने फादर्स नेम और गार्डियन, जो आपके घर में गार्डियन है उनका नाम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आप लिख दोगे। इसके अलावा आप जेंडर अपना चूज कर लोगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल से हमारा मतलब क्या है, जिस भी स्टेट के आपके डॉक्यूमेंट बने हुए ना वो स्टेट चूज कर लेना। जैसे मान लो आपका दिल्ली का है, दिल्ली में आप रहते हो, दिल्ली के ही आपके सारे डॉक्यूमेंट बने हो, तो आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल में क्या चूज करना है, दिल्ली, क्योंकि आपको वहां का डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा ना। तो कैसे बनवाओगे जब तक आपके वहां के डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, इसीलिए आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल में वही चूज करना है जहां के आपके डॉक्यूमेंट है, क्लियर है। कैटेगरी अपनी चूज कर लेना, जनरल हो तो जनरल, या एससी एसटी ओबीसी जो भी हो वो चूज कर लेना।
अगर आप किसी अदर कैटेगरी में जाते हो जैसे कि एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तो आपको जो नंबर है ना उसका डॉक्यूमेंट नंबर वो फिल करने का ऑप्शन आ सकते हैं। ऑप्शनल है, मर्जी है, भरना है तो भरो वरना मत भरो। आईडी प्रूफ चूज कर लेना, आधार कार्ड ही चूज कर लेना मैं तो कहूंगा। अगर आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है तब जाके कोई दूसरा आईडी प्रूफ चूज करना, अदरवाइज आधार कार्ड चूज करना, यहाँ पे आधार नंबर फिल कर देना। क्लियर है इतना। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, कहाँ पे इशू हुआ है वो सारी चीज़ें मेंशन कर देना। नेक्स्ट आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है। देखो ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर केयरफुली फिल करना, क्रॉस चेक कर लेना आपने सही भरा है कि नहीं। रीजन बीइंग क्योंकि आधार कार्ड डल रहा है आपका। अब मान लो कोई गड़बड़ी से आपने गलत फोन नंबर डाल दिया, ईमेल डाल दिया, तो आप तो रिकवरी नहीं कर पाओगे आईडी पासवर्ड, है ना। इसीलिए आपको सही से फिल करना है एंड ऑल्टरनेट नंबर भी डाल देना। क्लियर है इतना। बाकी आपको अपने एड्रेस डिटेल्स फिल करनी है, वो आपको ही पता है कैसे फिल करते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कंट्री इंडिया है, पिन कोड डाल देना, स्टेट डाल देना, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डाल देना, सिटी कौन सी लगती है वो डाल देना, फिर प्रॉपर अपना डाल देना, हाउस नंबर ये, ब्लॉक ये, वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो ये इस पर क्लिक कर देना, अदरवाइज दोनों को अलग अलग फिल कर देना। देन आपको ये डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है, टिक कर देना है, एंड यहाँ पे आपको जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड पे क्लिक कर देना। आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है एंड पासवर्ड है बाय मेल आ जाएगा, ठीक है, बाय मेल आ जाएगा। वहाँ से आपको लेना है अपना रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सेम विंडो जो जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन के लिए इस पे क्लिक करा था उसी विंडो पे आपको जाना है, एंड आपको यहाँ पे क्या करना है, अब लॉगिन करना है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी डाली, पासवर्ड डाला एंड कोड डाला, लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो जो आपने डिटेल्स फिल करी थी वो दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे ना मैंने पहले से ही जो इमेज है वो अपलोड कर दी है एंड जो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो प्रिंट कर रखा है, इसलिए मेरे में दोनों में डंडन आ रहा है, आपके में पेंडिंग लिखा आएगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है कि आपने गलत भरा है तो एडिट पे क्लिक करना, अदरवाइज प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे आएगा आपको फोटोज वगैरह जो है वो अपलोड करने का, तो अपनी फोटोज अपलोड कर देना, ठीक है। साइज आपको पता है 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, क्लियर है। एंड फोटोग्राफ आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। टिक कर देना सब पे एंड अग्री पे क्लिक कर देना। जैसे आप अग्री पे क्लिक करोगे फोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। ऐसी सेम चीज आपको किस में करनी है, आपको सिग्नेचर में करनी है एंड नीचे थंब इंप्रेशन में करनी है। सिग्नेचर का मैंने आपको बता ही दिया, या तो ब्लू और ब्लैक पेन से होना चाहिए एंड एक बॉक्स में होना चाहिए। बॉक्स की जो डायमेंशन है वो है 6x3 है, ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा 6x3, क्लियर है, सेंटीमीटर्स में है। ये करने के बाद आप क्या करोगे, सब पे टिक करके एग्री पे क्लिक कर दोगे, सेम इसमें सबमिट पे क्लिक करोगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा जाएगा आपका जो स्टेप 2 है बेसिक रजिस्ट्रेशन का वो हो गया कंप्लीट। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसी विंडो दिख जाएगी, यहाँ पे आपने जो जो चीज़ें फिल करी है वो दिख जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, प्रिंट पे क्लिक कर देना। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक कर दोगे प्रिंट हो जाएगा, फिर आप दोबारा माय पेज पे जाना तो ना आपको ये आ जाएगा, अब इस बार ना आपको ये डन आ जाएगा, दोनों डन दिख जाएगा कि फोटो भी अपलोड होगी एंड आपने ये बेसिक रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो प्रिंट कर लिया है, ठीक है। इतना कर लोगे आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉर्म की स्टार्ट डेट कौन सी है 27 है, एंड डेट कौन सी है 14 है, 5 बजे तक उससे पहले पहले फॉर्म फिल कर देना। अभी पेमेंट नहीं करनी है आपको, डोंट वरी। करेक्शन स्टेटस आप चेक कर पाओगे 17 तारीख तक, ठीक है, 17 तारीख को चेक कर लेना। उसके बाद अगर कोई करेक्शन होगी तो 17 से 20 तारीख के बीच में करेक्शन कर पाओगे आप, मेल आ जाएगा आपको एंड बस यही पता चल जाएगा आपको कहाँ करेक्शन करनी है, लॉगिन करके देखते रहना। आफ्टर दैट आपको अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन चेक करना है कि एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट, एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है आपको 23 तारीख को पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद वैसे ये ना कल 5 तारीख को प्रॉस्पेक्टस अपलोड कर देंगे, तो मैं उस प्रॉस्पेक्टस से आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, बाकी जितनी भी डिटेल्स है ना नर्सिंग रिलेटेड और पैरामेडिकल कोर्सेज रिलेटेड वो आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है, कैसे आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है उनकी, इनके ऊपर ना अलग से वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। क्लियर है आपको। देन यहाँ पे अब देखो जनरेशन ऑफ कोड, अब यहाँ पे आप जनरेशन ऑफ कोड करोगे फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए, कोड जनरेट करोगे, क्लियर है। जब आपका कोड जनरेट हो जाएगा तब आपको वो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था ना उसमें जाके फिल करना होगा, तो ये बात की बात है। एग्जाम कब है वो देख लो, देखो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है 18 जून को एंड जो आपका पोस्ट बेसिक एंड पैरामेडिकल कोर्सेज है उनका एग्जाम है 25 जून को, क्लियर है, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतने, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।